नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बीजेपी के विधायक हैं गुजरात से रामेश्वर शर्मा। वो इस देश के किसान को सब्सिडी चाटुकार कह रहे हैं। एक आम सभा में किसान को चाटुकार सब्सिडी का ये कह रहे हैं। लेकिन ये नेता सब भूल जाते हैं कि सब्सिडी किसान को मिले ना मिले, लेकिन हर नेता को सब्सिडी भोजन के तौर पे मिलती है पार्लियामेंट के अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पांच साल के अंदर 74 करोड़ रुपया 543 सांसद पे सिर्फ भोजन के लिए सब्सिडी दिया गया है। मतलब समझ लीजिए आप, 543 सांसद के ऊपर 74 करोड़ रुपया 5 साल में सब्सिडी दिया गया है, जो कि इस लॉकडाउन के अंदर सिर्फ 100 करोड़ रुपया खर्च करती भारत सरकार तो एक एक गरीब मजदूर वो अपने घरों को पहुंच जाते। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ भोजन के नाम पे 74 करोड़ रुपया सब्सिडी में 5 साल में ये खाते हैं। अब सोच लीजिए कौन सा खाना खाते हैं। अब इनकी थाली क्या रेट की है लोकसभा में, मैं उसका भी बायोडाटा आपको दे रहा हूं। एक मिनट, बायोडाटा मैं आपको दे रहा हूं। चिकन बिरयानी 80 रुपए की थाली है लोकसभा में, शाकाहारी थाली सिर्फ 30 रुपए की है, सिर्फ 30 रुपए की। क्या आज के टाइम में हिंदुस्तान में कहीं 30 रुपए का फुल प्लेट खाना, मतलब शाकाहारी थाली यानी सभी आइटमों की थाली, उसके अंदर रोटी भी होगा, चावल भी होगा, दाल भी होगा, सब्जी भी होगी, रायता भी होगा, सलाद भी होगा, यानी जो भी एक शाकाहारी खाने के अंदर होता है वो सब चीजें शाकाहारी थाली में होगी। और 50 रुपए, तो आप ये समझ लीजिए। उसके बाद इनकी जो थाली है 33 रुपए में, सिर्फ ये 33 से 60 रुपए हो गया, 60 रुपए में मांसाहारी भोजन इनको उपलब्ध होता है सांसदों को। चिकन सिर्फ 40 रुपए में, सिर्फ 40 रुपए में इनको उपलब्ध होता है लोकसभा में सांसदों को। चाय मात्र 2 रुपए में इनको उपलब्ध होता है। क्या हिंदुस्तान में एक भी नेता का कोई नाम बताएगा जो आज के टाइम में लोकसभा का सदस्य है, किसी गरीब मजदूर का बेटा, एक का कोई नाम बताएगा? सारे के सारे नेता जितने भी लोकसभा के अंदर सदस्य हैं वो सारे करोड़पति या उद्योगपतियों से हैं। इनको चाहिए सब्सिडी। आप समझ सकते हैं कि जो नेता चुनाव जीतने के लिए कई करोड़ रुपया एक चुनाव जीतने के लिए खर्च कर देते हैं, वो व्यक्ति को चाहिए भोजन करने के लिए सब्सिडी। तो इस देश में सबसे बड़ा निकम्मा कौन है और चाटुकार कौन है, और चाटुकार किसको कहते हैं? जैसा कि अनिल ने, उस जो भाजपा का विधायक है, उसने जो कहा कि सब्सिडी को चाटते हैं, चाटता कौन है? कुत्ता चाटता है।
अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कहिए कि धनेश्वर महतो जी गलत कह रहे हैं। अरे चाट के खाना कौन खाता है? कुत्ता ही खाता है ना। तो इस देश के किसान को भारत के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुत्ता कह रहे हैं सब्सिडी के नाम पे। तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सब्सिडी, ऐसा कोई नेता नहीं है जो नहीं खाता है, तो असली कुत्ता कौन हुआ? आप स्वयं फैसला करिए। मेरी बातें तो मिर्ची लगती हैं क्योंकि सच बोलने लगता हूं ना, और सच्ची हमेशा मिर्ची की तरह कड़वी होती है, सच्चाई हमेशा मिर्ची की तरह कड़वी होती है। अब बिहार की ही हम थोड़ी सी बात कर लें। इसी साल में चुनाव है, 2-3 महीने बाद चुनाव है बिहार में। श्री नीतीश कुमार ने सैनिटाइजर के नाम पे हर पंचायत को मास्क के नाम पे 9 लाख रुपया 4 लाख रुपया 2 बारी हर जनप्रतिनिधि को उपलब्ध कराया है। क्यों कराया है? वो गरीबों के लिए नहीं उपलब्ध कराया है। नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की जो मुखिया दलाली करेंगे उनका जेब भरा गया है, जेब भरा गया है, ताकि इस इलेक्शन के अंदर ये जनप्रतिनिधि मुखिया इनको सपोर्ट करें, क्योंकि इनका जेब जो भरा हुआ रहेगा तो इनके साथ वार्ड सदस्य भी हैं। हर पंचायत में वार्ड सदस्य भी हैं, जैसे 15 वार्ड है तो 15 वार्ड सदस्य हैं। तो वार्ड सदस्य का जेब गरम किया गया है, क्या कहते हैं, मुखिया का जेब गरम किया गया है। आम जनता को कोई भी तरह का सुविधा नहीं दिया गया है। ये 9-13 लाख रुपया मुखिया की जेब में गया है। क्या ये, यदि ईमानदारी का ढोल पीटते हैं नीतीश कुमार, तो क्या इसकी जांच करा के 10 दिन के अंदर जांच करा के क्या इन सब मुखियाओं को जेल भिजवाने का काम करेंगे? यदि ईमानदारी का ढोल पीटते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो पूरे बिहार के पंचायतों की कह रहा हूं मैं, किसी 1-2 पंचायत की नहीं कह रहा, पूरे बिहार के पंचायतों में जो बिहार सरकार ने फंड दिया है वो मैं दावे से कह रहा हूं और सीधा आरोप लगा रहा हूं नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के ऊपर के मुखियाओं की जेब इन्होंने गरम किया है। अभी के समय में हर पंचायत में बेतहाशा इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि चुनाव है, और हर मुखिया, जो कि मुखिया का कोई रोल नहीं है, हर मुखिया 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक लेता है एक ये प्रधानमंत्री आवास में। क्या इसकी जांच कराएगा नीतीश कुमार 10 दिन के अंदर अंदर? यदि इसकी जांच नहीं कराता है तो इसका मतलब है कि सारा पैसा नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलजुल के पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं धनेश्वर महतो, भारतीय मित्र पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूं कि जितने भी अभी आपने फंडिंग किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने पंचायत को, वो सिर्फ मिली भगत के लिए फंडिंग की गई है। इलेक्शन में हिस्सेदारी बांटी गई है, जनता को नहीं दिया गया है, जनता को कोई सुविधा नहीं दी गई है। मास यदि बांटा गया तो 5 रुपए से अधिक उसकी कीमत नहीं है। वो जो क्या कहते हैं साया सिलवाते हैं सबसे सस्ते कपड़े का, उसका मास बनाया गया है लगभग पंचायतों में। क्या दम है नीतीश कुमार इसकी जांच कराने के लिए आपके पास, या जुमलेबाज की तरह आपको भी एक जुमला प्रस्तुत करना है? मैं धनेश्वर महतो नीतीश कुमार जी आपसे कह रहा हूं, क्या जो आपने 9 लाख और 4 लाख हर पंचायत को सैनिटाइजर और ये मास्क बांटने के लिए, साबुन बांटने के लिए, और जो आपने कहा था कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बाहर से उनको किट एक उपलब्ध कराया गया है, मच्छरदानी, तौलिया, गमछा, जाजिम, बनियान, अंडरवियर, ये सब चीजें उपलब्ध आपने जो कराया, दरी यदि किसी को दी गई है तो दरी के 4 टुकड़े करके दिए गए हैं, बहुत जगह मच्छरदानी मिला ही नहीं, तो ये क्या लूटने के लिए आपने मुखियाओं को पैसा दिया?
यदि आपने मुखियाओं को लूटने के लिए पैसा नहीं दिया तो इसकी क्यों नहीं अभी तक जांच हुई उच्च स्तरीय, और क्यों नहीं उन मुखियाओं को जेल भिजवाने का काम किया आपने माननीय नीतीश कुमार जी? नहीं किया है तो इसका मतलब है कि आपकी जदयू की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों का सरदार है, क्योंकि अफसरशाही, तानाशाही, इसका बिहार में बोलबाला है। हर मुखिया ने लूट की एक दुकान खोल रखी है, हर मुखिया ने एक लूट की दुकान खोल रखी है। ये जो 100 दिन की गारंटी योजना वाली जो कांग्रेस ने चालू किया था, जिसपे भी पार्लियामेंट में भाषण भी दिया था माननीय प्रधानमंत्री ने कि गड्ढा खोदने की योजना है, उस योजना में जितना भी फंड आता है गरीब के खाते पे, वो सारा फंड मुखिया उससे वापसी ले लेता है। क्या इसकी बिहार सरकार ने जांच कराया किसी भी पंचायत में जाके, एक भी पंचायत में? नहीं कराया। इसका मतलब बंदरबांट हो रहा है ना। माननीय नीतीश कुमार जी, 15 साल के शासन काल में, सिर्फ और सिर्फ आपके शासन काल में हर गांव में 5 जगह दारू की दुकानें खुली हुई हैं दारू बंदी के नाम पे, और दवा के आपकी अफसरशाही की मिली भगत से नेताओं की जेब भरी जा रही है, आपका जेब भरा जा रहा है, आपकी पार्टी का जेब भरा जा रहा है, जदयू कार्यकर्ताओं का जेब भरा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जेब भरा जा रहा है। तभी तो बिहार में दारू बंद होते हुए भी जगह जगह दारू मिलता है। कैसी सरकार है आपकी? और आप रोजगार की बात कर रहे, फिर मैं कह रहा हूं 15 साल में कितने आदमियों को रोजगार दिया है? क्या चीज पे 5,000 रुपए मजदूरों पे खर्च किया है? जरा एक आज चीज का जरा बताएंगे उसकी बायोडाटा? नहीं बता पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। यदि नीतीश कुमार जी, लास्ट में फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप यदि एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अपने आप को कहलाते हैं सुशासन बाबू, विकास पुरुष, तो सुशासन बाबू जी जांच कराइए पंचायती राज में मुखियाओं ने कितनी लूट मचाई है इस 3 महीने के अंदर। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, जय मां भगवती, हे मां जगदम्बे, हे मां दुर्गा, आप ही का सहारा है देश के नागरिकों पे। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।